राष्ट्रीय जनता गठबंधन के चारों घटक दलों की नेताओं की आज एक साथ बैठक कैमरे में वीडियो नहीं आ रही, पता है हमारी माइक ही आ रही है, माइक नीचे रख दो ना। 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में आयोजित किया जाएगा। यही आज निर्णय हुआ है, यानी 15 तारीख को सभी घटक दलों के सभी माननीय विधायकों की बैठक एक साथ शुरू बैठक सारा निर्णय लिया जाएगा। चुप रहिए ना, यही आज का कब बोले फायदा करेगा। 15 तारीख को 12:30 बजे आज हम लोग सब एक साथ बैठे हैं चारों और मिलकर के यही निर्णय हुआ कि 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक दल विधायक मंडल दल की, सभी एक साथ बैठेंगे चारों दलों के लोग और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे, उससे सब चीज तय होगा। जब एक बार निर्णय करके इसका दावा करेंगे और उसके बाद भी होता है ना, आज कैबिनेट की बैठक जरूरी है ना, हमारे कैबिनेट की बैठक इसलिए जरूरी है। मेरा हाथ मत पकड़ो भाई, मोबाइल आ गया, हटा भाई इसका मोबाइल, मेरा नहीं भाई, ये हटवाना है। चुनाव हो गया और जो भी इलेक्टेड लोग हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया, इसलिए वर्तमान जो हाउस असेंबली विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। तो आज उसकी बैठक कैबिनेट की और उस कैबिनेट में जब निर्णय होगा तो इसकी पूरी जानकारी उसका रिकमेंडेशन जो संयुक्त बैठक होगी विधायकों की बैठक होगी 15 तारीख को 12:30 बजे दिन तय हो, यही आज का फैसला। नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। पटना में एनडीए की ये बैठक हुई जो कि अब खत्म हो गई है, हालांकि उन्होंने बताया कि ये बैठक महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस बैठक में फिलहाल किसी भी रणनीति यानी कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि ये एनडीए की तरफ से साफ पहले किया गया है कि नीतीश कुमार होंगे, लेकिन क्या बैठक के बाद भी वही राय निकलती है ये देखना होगा। 15 नवंबर को 12:30 बजे एक बार फिर से ये बैठक होगी और जिसमें सारी चीजें तय की जाएंगी कि मुख्यमंत्री चेहरा क्या नीतीश कुमार ही होंगे और क्या अब मुख्य शपथ ग्रहण समारोह है वो जो जैसा संभावित लग रहा है 16 तारीख का, क्या 16 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि आज की जो बैठक थी उसमें सुशील मोदी भी वहां पर मौजूद थे, तस्वीरों में दिख रहे थे, जीतन राम मांझी भी वहां पर मौजूद थे और इसी के साथ साथ नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया कि 15 नवंबर को अब अगली बैठक होगी उसमें सारी चीजें तय होंगी। चंद्रमोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, कहा तो ये जा रहा था कि आज की बैठक में तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे और शपथ ग्रहण कब होगा, लेकिन आज ये नहीं हुआ, अभी 15 तारीख को होगा। बिल्कुल, देखिए अभी एनडीए के तमाम दल के नेता यहाँ पर पहुँचे थे और बैठक हुई। बैठक के बाद यह तय किया गया कि आज 4 बजे कैबिनेट की बैठक है और जो मौजूदा सरकार है उस कैबिनेट को भंग किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय और संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अभी निकल रहे हैं, नीतीश कुमार अपने घर की ओर जा रहे हैं। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अब स्वरूप और प्रारूप सब कुछ तैयार कर लिया गया है और जल्द ही सरकार का गठन हो जाएगा। 15 तारीख को बैठक है एनडीए के विधायक दल के नेताओं की और उसके बाद फिर आगे का क्लेम जो नीतीश कुमार हैं वो अपना सरकार के लिए दावा पेश करेंगे। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, नीतीश कुमार फिर से एक बार क्या बोल रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। के बाद जो निर्णय होगा उनकी सूचना दी जाएगी, क्लेम किया जाएगा आदरणीय गवर्नर साहब के यहाँ और जो कुछ भी वोट वगैरह का होता है उसी समय तय होगा। तो
तो आपने सुना नीतीश कुमार साफ तौर पर यह कह रहे थे कि 15 तारीख को एनडीए के विधायक दल की बैठक है और उसके बाद फिर जो सरकार बनाने का दावा है वो नीतीश कुमार पेश करेंगे। उससे पहले अभी 4 बजे जो कैबिनेट की बैठक है उसमें मौजूदा सरकार को भंग किया जाएगा। जो तमाम एनडीए के नेता पहुंचे थे उसमें यह तय हुआ है और इसके साथ ही सुमित कुमार सिंह जो चकाई के विधायक हैं निर्दलीय, वो यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे और यह माना जा रहा है कि वो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं नीतीश कुमार अब अपने घर की ओर वापस हो रहे हैं और जो VIP पार्टी के नेता हैं मुकेश सहनी वो आगे गाड़ी से निकल रहे हैं। तो जो तमाम NDA के नेता हैं वो अभी पहुंचे थे और उसके बाद उसमें यह निर्णय लिया गया कि आगे सरकार का प्रारूप क्या होगा और किस तरह से सरकार का गठन होगा, साथ ही कब जो शिरोमणि है उसको किया जाए। मुकेश सहनी हमारे साथ मौजूद हैं, अंदर आप गए थे, क्या बातें हुई हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी सारे चीज़ क्लियर कर दिए। 15 तारीख को हम लोग का विधायक दल का सारे NDA का बैठक है और उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो सारा चीज़ क्लियर है। कब वोट कब होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, छठ से पहले हो जाएगा। क्या मंत्रिमंडल को लेकर कुछ बातें हुई कि मंत्रिमंडल में आप लोग शामिल होंगे, कौन कौन लोग शामिल होंगे, कितनी की संख्या होगी? वो सारे चीज़ क्लियर है और आपको 15 तारीख को सब जानकारी मिलेगा। वो 15 तारीख को कितने बजे बैठक है कुछ बताएंगे? 12:30 बजे। तो 15 तारीख को 12:30 बजे बैठक है और बैठक के बाद ये सब कुछ प्रारूप और स्वरूप तैयार होगा। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो तमाम नेता हैं वो धीरे धीरे वापस जा रहे हैं और जो यहाँ पर बैठक हुई है उसमें यह माना जा रहा है कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें आगे का स्वरूप और प्रारूप तैयार किया गया है। ऐसे में जो NDA के नेता हैं वो अब यहाँ से धीरे धीरे वापस निकल रहे हैं। 15 तारीख काफ़ी NDA के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सरकार के गठन की जो प्रक्रिया होती है उसमें तमाम नेता और विधायक जो हैं उनके साथ बैठक होगी और बैठक के बाद औपचारिक ऐलान होगा, सहमति बनेगी और ये पहले से तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में दौरा पर पहुंचे थे यहां पर और जो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे उस समय उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि वही मुख्यमंत्री होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विजय चौधरी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और JDU के वरिष्ठ नेता हैं। ये बताइए सर कि क्या प्रक्रिया होती है, कैसे सरकार का गठन होगा आगे? प्रक्रिया ये होती है कि NDA विधायक दल अपना नेता चुनेगा और जो नेता होंगे वो महामहिम के यहाँ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और महामहिम और नेता मिलके समय और तिथि शपथ ग्रहण का तय करेंगे। आज कैबिनेट की जो बैठक है उसमें क्या होने वाला है? आज तो जो कैबिनेट के बैठक में तय होगा हमारे ख्याल से विधानसभा के बारे में कोई फैसला होगा। अब ये तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? ये तो सब दिन से तय था। तो ये पहले से तय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे चुनाव प्रचार के लिए और जब अमित शाह News 18 India के खास इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि चाहे वो BJP का अधिक संख्या क्यों नहीं आता है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और यह माना जा रहा है कि जो 15 तारीख को बैठक होगी उसमें भी इस पर मुहर लगेगी कि अगला मुख्यमंत्री जो NDA के बनेंगे वो नीतीश कुमार ही बनेंगे। अभी यहाँ पर बैठक चल रहा था और बैठक के बाद अब नेता धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं, ऑफिस की ओर जा रहे हैं और यह भी तो कुल मिलाकर 15 तारीख को 12:30 बजे जो बैठक होगी उसमें चीजें